हाय, आज हम बना रहे हैं आलू टिक्की। इसके लिए हमने सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। टिक्की बनाने के लिए हमने थोड़ा पोहा भी भिगो दिया है पानी में। आलू बॉईल हो गए हैं, अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। आलू कद्दूकस कर लिए, अब इसमें डाला है धनिया। अब इसमें डालेंगे हम भीगा हुआ पोहा। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा। अब हम बना रहे हैं टिक्की, और टिक्की में भरेंगे पनीर की फिलिंग। हमने टिक्की बना ली है और ऐसे ही हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आलू में नमक नहीं डालना है, फिलिंग में नमक डालना है, क्योंकि आलू में नमक डालने से आलू पानी छोड़ सकता है, जिससे टिक्कियां तलते वक्त फट सकती हैं। इसलिए आलू में नमक नहीं डालें, फिलिंग में डालें। हमारी सभी टिक्कियां बनकर तैयार हैं, अब इन्हें फ्राई करेंगे। हम टिक्कियां फ्राई कर रहे हैं और टिक्कियों को हम तवे पे फ्राई कर रहे हैं। अभी हम टिक्कियों को हाफ फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये कितनी अच्छी लग रही हैं। अब हम दोबारा फ्राई करेंगे, और दोबारा फ्राई करने से पहले हम टिक्की को प्रेस करेंगे। थोड़ा ही प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना। टिक्की बहुत ही अच्छी और कुरकुरी सिक रही हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी करारी हैं। टिक्की बनकर तैयार है हमारी। मैं आपको खा के बताती हूँ कैसी बनी है। बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे घर पर ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।